हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम निबला से वेलकम टू कराची मूवी के बेस्ट कॉमेडी सीन लाए हैं अरशद वारसी के और बाकी कैरेक्टर्स हैं। काफी लोग कह रहे थे ये मूवी बनाओ, इसमें पाकिस्तान में आते हैं कुछ इस तरह कुछ सीन, बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पासपोर्ट? ओ ये तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना? हाँ। 1 घंटे में ले लो। 1 घंटे तक हम लोग कहाँ जाएंगे? बगल में होटल है। होटल में कमरा लेने गए क्या? चाय पी लो। 1 घंटे तक चाय कौन पीता है? कैसी बात कर रहा है? दसा हो जाओ। ओके। पैसा में लगता है नकली बना रहे हैं। अब क्या करेंगे? 1 घंटे वाली चाय पीते हैं। 1 घंटे वाली चाय। रानी मैच है। रानी मैच है, इंडिया जीतेगी, मैं बता रहा हूँ तेरे को। पुरानी मैच है। आधी घंटे की बात, रिलैक्स। आप बोलो पठान का बच्चा सोने, लाला को पड़ी लात, सीधा पवेल के अंदर लाला की ले डाली, ले डाली, ले डाली। पठान का बच्चा डैडी गुल, चाय वाला सरे, पठान का बच्चा आफरीदी, आउट इन द पवेलियन, हाँ, चाय वाला सरे, बहुत ज्यादा क्रेड खेलने के लिए, यस, 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 यस। क्या हुआ भाई? पठानों से पंगा तूने लिया था ना? अरे मैं तो जज्बात पे बह गया था, तू किस बात पे बह गया था? अरे लेकिन तूने अगर पठानों से पंगा नहीं लिया था, अभी अपन बॉर्डर पर जा रहे होते, मालूम है तेरे को? गलती अमेरिका की है, गलती अमेरिका की है। ना तुझे अमेरिका जाना होता, ना वो बोट डूबती। अरे लेकिन मैं तो प्लेन से जाने वाला था ना शम्मी, बोट में जाने का आइडिया तेरा था। अरे प्लान मेरा था, लेकिन मजबूरी तो तेरी थी। मुझे लगता है लेकिन अमेरिका की गलती है, हर बार अमेरिका की ही गलती होती है। राइट। हाँ, और हम लोग इसी बोट से दुबई जा रहे होते ना, तो बोट कभी नहीं डूबती। अरे राइट की लेफ्ट। हम लोग ने लास्ट टाइम राइट टर्न लिया था ना? हाँ। दो बार राइट टर्न लिया ना तो यू टर्न हो जाएगा, सीधा निकाल ले तू। ओके, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। लेफ्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए लेफ्ट ले ले। देखो अभी अपन सीधा जाते हैं तो फंस जाते हैं ना। अरे मेरे से भी गलती हो सकती है। एक मिनट। कौन है तू? और तुम गाड़ी में कैसे? तुम बहुत डेंजरस लोग है, बता रहा हूँ। मुसाफिर हूँ, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ। अरे अंकल, हमको मंजिल नहीं, हमको बॉर्डर पर जाने का है। मेरे पास हर सरहद की चाबी है। ताले वाला लगता है। बॉर्डर तक पहुंचा सकते, आगे चलिए। ये बीच कर गया, ताले वाला लगता है। कौन है मेरे अजीज? इसके अजीज आ गए भाई। ऐसा में ये तो बहुत डेंजरस लग रहे हैं भाई। वो सब डेंजर टाइप के आदमी है, बस बॉर्डर पार करा दे और कुछ नहीं चाहिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आप दोनों पीछे गाड़ी में सामान रखा है, वहां रख देंगे। अब सुन रहे हैं, तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन एक हादसा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम के बंदे मिल गए ये दोनों। ये सम्मी, इसमें क्या आम है क्या? मुझे तो इनकी कोई बात आम नहीं लगती है। तू चुपचाप रहना, कुछ बोलना नहीं, उठा ले। कम अकल के हैं, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। बॉर्डर पार जाना चाहते हैं, आगा से कहना इनका खास ख्याल रखे, काम आएंगे।
सुनो कौन है? खैबर पख्तूनख्वा के पाशा मुल्ला नसरुल्ला। नहीं जानते क्या? नहीं जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त है। ओ बाशिंदो, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें बॉर्डर पार ले जाएंगे। ठीक है। ओए खुदा बख्श जान, जाओ जाओ। बहुत चिल्ला रहा था भाई। वो संस्कार है ना, वो पहुंच गया ना, तो यहाँ तक बढ़ो गया जान। मुल्ला नसरुल्ला का तोहफा है आपकी तंजीम के लिए, बॉर्डर पार भेजना है। कह रहे थे इंकलाब में बहुत काम आएंगे। कम अक्ल के हैं, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? शम्मी, ये गुंगा है। अच्छा, कोई बात नहीं। यार ये बड़ी बात मूवी है यार, बड़ी बात। ये पाकिस्तान आते कैसे? पहले मुझे ये बताओ यार, ये पाकिस्तान आते कैसे? तालिबानों के हाथ लग गए एडिटिंग में। अल्लाह यार, यार यार वैसे यार कहते हैं उसको गले मिला गोले चला स्टार्ट में उसको गाड़ी में डरा रहा है, स्टार्ट में क्रिकेट मैच लगा। अच्छा उसको कहता है सफर कराते घंटे के बाद खुद ही शुरू हो गया, खुद ही शुरू हो गया। जज्बात में काबू नहीं पा रहा था यार, ये जा रहे कहाँ? ये मुझे नहीं पता। अलग लेवल मूवी यार। यार गाइस इसके और कुछ सीन चाहिए तो बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार